नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर लैब बुरवाला पर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डायलिसिस रोगी है वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आपको जल्द से जल्द मिल सके। जब हम डायलिसिस के ऊपर होते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नमक की, तो नमक हमें कम मात्रा में ही खाना चाहिए, हो सके तो, संभव हो तो इसको अवॉइड ही कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा और जो हमें इससे दिक्कत नहीं होगी। दूसरा रहता है प्रोटीन। प्रोटीन की जो मात्रा है वो हमें ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है। दिन में 24 घंटे के अंदर 8 से 10 ओस प्रोटीन लेने के लिए डॉक्टर हमें बोलते हैं। और प्रोटीन हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिल सकता है, तो अगर उनकी बात करें तो जिसके अंदर हमें दालें हैं, बेसन है, पनीर है, अंडा है, फिश है, मीट है, इनसे हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो इन्हें हमें खा सकते हैं। हम फल और जूस की अगर हम बात करें तो फलों में जो है हमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो फल हमें अवॉइड कर देने चाहिए जिनके अंदर पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिनके अंदर ये आता है जैसे कीवी है, प्रूनस हैं, खरबूजे हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, इनके अंदर पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हम सेब है, बेरीज हैं, वो अंगूर हैं, अंगूर का जूस हम ले सकते हैं जिनके अंदर पोटाशियम कम रहता है, तो ये फ्रूट्स हमें खा सकते हैं। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर उच्च मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, तो हमें उन सब्जियों को अवॉइड करना होता है जिनके अंदर पोटाशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इनके अंदर कौन कौन सी सब्जियाँ आती है, तो हमें एक साधारण सा एक मेथड है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सी सब्जियों में पोटाशियम ज़्यादा होता है और कौन सब्जी है जिनके अंदर पोटाशियम कम होता है। तो दोस्तों, जो भी सब्जी है बेल पे लगती है, जो पेड़ पर लगती है, यानी कि शिमला मिर्च है, तोरी है, घिया है, टिंडे हैं, और जो हरी सब्जियों के अंदर आते हैं, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, इनके अंदर पोटाशियम ज़्यादा नहीं रहता है। और पोटाशियम हाई किन सब्जियों में रहता है, तो जैसे कि जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं जिसके अंदर आलू है, गाजर है, शकरकंदी है और चकुंदर है, ये सब्जियां, इन सब्जियों के अंदर पोटाशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। खाद्य पदार्थों की बात करें तो इन खाद्य पदार्थों के अंदर उच्च मात्रा में सोडियम पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और डायलिसिस के दौरान अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, तो हो सके तो इनका प्रयोग ना करें, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी सेहत ठीक रहे और हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रिटेंशन ना हो सके। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो कि डायलिसिस के अंदर हमें अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखें। तो जल्द ही मिलूँगा एक नए टॉपिक पर, एक नए एक्सपीरियंस के साथ में आपसे। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।